देश की सेना को आज 355 जाबाज ऑफिसर मिल गए हैं। देहरादून की भारतीय सेना अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड हुई और इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट भी पास आउट होकर अपने देश की आर्मी में अफसर बनेंगे। जोश है, जुनून है, देश के लिए समर्पण और रक्षा का प्रण है। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में आज जब देश के शूरवीरों ने कदम ताल किया तो दर्शक दीर्घा में बैठे उनके माता पिता के लिए ये गर्व से भर देने वाला क्षण था, क्योंकि आज उनके बेटे ने देश सेवा का प्रण लेते हुए सेना में अफसर बनने की ओर कदम रख दिया। अपने आप में एक इतिहास को समेटे देहरादून की भारतीय सैन्य अकेडमी से 355 युवा पास आउट होकर भारतीय सेना में अफसर बन गए। परेड की सलामी उत्तरी कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने ली। इस मौके पर सेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा भी की गई। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का हौसला देखते ही बन रहा था। कैडेट चैडवुड ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल करते आए तो उनके परिजनों ने उनकी हौसला अफजाई की। IMA से पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेटों में 39 विदेशी मित्र राष्ट्रों के कैडेट भी है। 355 भारतीय अफसर सेना की अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। इसने बहुत मेहनत की है और ये अभी अच्छी तरह देश की सेवा करेगा। इसके दादाजी भी फौज में थे, राजपूत रेजिमेंट में, और इसके ताऊजी भी सेकंड राजरिक में ऑनरी कप्तान से रिटायर हुए। मैं भी आर्मी में था, अभी रिटायर। बेटा ऊपर आ गया। बेटा खुद खुशी का अवसर है। मेरा बचपन से यही सपना था, क्योंकि पिताजी को मैंने बचपन से फौज में देखा तो वो जो चाल डाल था, वो जो लाइफस्टाइल था, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था और मैं भी इसी में अब जाने वाला हूँ। सर, मुझे 11GR मिला है। तो पहले मैं लद्दाख स्काउट में सर्व करता था। चार साल मैंने सर्व किया लद्दाख स्काउट में। इसके बाद मैंने SSC के थ्रू मैंने अपना SSB क्लियर किया और अभी 4 साल रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद मुझे अभी 11GR मिला है। मैंने फौज ही देखा है तो मेरी फौज की डिसिप्लिन, रहने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब बहुत पसंद है। तो मैंने बचपन से ठान लिया था कि मुझे फौज में जाना है। तो मैंने सैनिक स्कूल से मेहनत करना शुरू किया तो सैनिक स्कूल निकला नहीं, बाद में मैंने NDA भी दिया था। IMA साल 1932 में अस्तित्व में आया था, जो भारत और मित्र देशों को अब तक 65,000 से ज्यादा सैन्य अफसर दे चुका है। यहाँ कैडेट्स को ट्रेनिंग के साथ तमाम प्रकार के स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटी, आर्म्स ट्रेनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट में भाग लेने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।